गाइस फिर से खराब होगी नमन की बाइक। नमन क्या हो गया बाइक में? तीन चार दिन से बारिश का टाइम हो रखा था ना, तो तीन चार दिन मैंने बाइक स्टार्ट नहीं करी, लेकिन सही से एकदम पैक करके रखता हूँ। फिर बाइक चालू करी मैंने तीन चार दिन के बाद, तो स्टार्ट ही नहीं हुई। मेरे को लगा बैटरी डाउन हो गई है, तो बैटरी चार्ज करवाने ले गया। उसने बैटरी चार्जिंग पर लगाई, शाम को बैटरी इसमें इंस्टॉल करी, स्टार्ट की, बाइक बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही। मैंने उसको बोला कि भाई बैटरी चार्ज करी भी है कि नहीं? बोला कि भैया पूरी करी है, बैटरी में करंट पूरा है, आपकी वायरिंग उड़ गई है। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि भाई वायरिंग कैसे उड़ सकती है, जब अभी हाल ही में ही बाइक की सर्विस हुई है, सारी चीज़ें ठीक से हुई है, फ्यूल पूरा है बाइक में, तो कैसे वायरिंग उड़ सकती है? तो गाइस चेक करते हैं बाकी क्या सीन है, एक बार सुनहरे देखते हैं। लगा एक बार नमन की लगा सुना यार, BS4 ने कैसे धोखा दे दिया, यकीन नहीं हो रहा भाई, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा गाइस, देख रहे हो बिल्कुल ही। कल फोन आया नमन का, ऐसे भैया दिक्कत होगी, मैं चल ठीक है, हम बाहर हूँ, चेक करेंगे बाद में ना, एक बार चेक करता हूँ उसको गाइस, एक बार फ्यूज़ वगैरह चेक कर लेते हैं ना उसका। नमन सीट निकालो। ओहो गाइस टूल लाना भूल गया, शिट्स। बाकी डाउट यहाँ से हो रहा है मेरे को, वहीं से ये क्या हो रहा है सर? देखो गाइस रेक्टिफायर से उसी ने बोला कि भैया कार्बन लगा हुआ है, तो आपकी पूरी वायरिंग उड़ गई होगी भाई। गाइस देखो ध्यान से देखना, पे दिख रहा होगा कुछ, थोड़ा सा ना कोशिश करना, ये क्या चीज़ निकल रही है समझ नहीं आया मेरे को, ब्लैक ब्लैक सा ना, ऐसे कैसे निकल गया? कार्बन पार्टिकल्स। हाँ रेक्टिफायर से निकल रहा है गाइस, जो कुछ भी है ना सिस्टम, मेरे को लग रहा है कुछ यहाँ पे शॉर्ट हुआ हल्का सा लगता है, डाउट हो रहा है मेरे को ना, देखना पड़ेगा गाइस, ये ओपन करना पड़ेगा, मैं लाना भूल गया स्पैनर भी ना यार, बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं आ रहा गाइस ना, देखो कोई रेस्पॉन्स नहीं है इस टाइम बाइक में, ऐसा कैसे हो गया भाई? चलो तो देखेंगे गाइस ना, इसे ओपन करेंगे गाइस, फाइनली खोल के देख रहे हैं यार, मतलब बहुत दिक्कत होगी रेक्टिफायर वगैरह, देखते हैं क्या सिनेरियो निकलेगा, काफ़ी टाइट हो रहा है गाइस, ये रहता है ना। बाकी मेरे को लग रहा है जहाँ तक है फ्यूज़ वगैरह भी हो सकता है ना, ये ऑयल कहाँ से आया समझ नहीं आया ना, रेक्टिफायर पे कार्बन पार्टिकल्स, कार्बन ऐसे नहीं ना, चल कहीं देखते हैं ना गाइस। मैंने फ्यूज़ बॉक्स और बैटरी का पूरा लगा दिया, ये देखो गाइस ना, यहाँ देखो मतलब टर्मिनल्स वगैरह सही कनेक्ट है, ऐसे कोई इशू नहीं है इसमें, ना ही कोई कार्बन दिख रहा है मेरे को सच। अब फ्यूज़ बॉक्स खोलते हैं ना, एक बार फ्यूज़ बॉक्स ओपन कर रहा हूँ मैं गाइस, एक बार ना मेन फ्यूज़ चेक करता हूँ मैं 30 एम्पीयर्स का ना, बिना कट लगाए वीडियो में चेक कर लेता हूँ। ये वाला लास्ट का 30 एम्पीयर्स वाला मैंने फ्यूज चेक कर रहा हूँ यार, वायरिंग भाई जानी नहीं थी, माउस वगैरह का इशू है नहीं यहाँ पे ना। ओ गाइस 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 देख रहे हो, मैंने कहा था ना नमन ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना गाइस, आप मतलब अगर दिख जाए इसमें बिल्कुल देखो ध्यान से ना, ये देखो गाइस इसका फ्यूज़ चले गया, ये देखना गाइस ना यार। नमन तूने बजाज में देखा था ना, फ्यूज चेक नहीं करा बंदे ने ऐसे ही, मतलब क्या करता था ना, उसने बैटरी चार्जिंग पर लगाई, चार्जिंग पर लगाने के बाद वापस इंस्टॉल करी ना, ऑन ऑन किया, बिल्कुल बाइक कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, तो उसने ऊपर का एक दो फ्यूज छेड़ा और वो अनाड़ी ना गलत तरीके से निकाल रहा था। मैंने बोला भैया तू रहन दे कुछ मत कर, क्योंकि कुछ फ्यूज बॉक्स अगर उखाड़ उखाड़ देता तो मैं फिर क्या कहाँ जाता। सही बात है। तो मैंने उसको बोल दिया भाई कुछ मत छेड़ो, वापस पैक कर दो। फिर उसने क्या इसके दोनों टर्मिनल मिला दिए, मैंने उसके लिए भी उसको मना किया कि भाई मत कर, लेकिन जितने मैं बोलता उसने दोनों टर्मिनल मिला दिए, स्पार्क हो गया और छोड़ दी पीछे। ये बजाज का ऑथराइज्ड। हाँ यार यही पे ही है गाइस, देख लो मतलब बजाज वालों का नूप पना, देखो दोनों वायर जोड़ दिए इसी पे कितना, और यहाँ पे स्पार्क हुआ था ना। हाँ यहाँ पे स्पार्क हुआ था, मैंने उतने में ही उसको बोला कि भाई मत कर। गाइस देख लो मतलब स्पार्क और इसी पे कितना लोड आया होगा, ये वहीं जाके उड़ा, देख रहे हो गाइस ये चीज, ये शॉर्ट सर्किट की वजह से उड़ा। चलो क्या ही बोलने, तब अब देखते हैं इसमें 30 एम्पीयर्स का लगाता हूँ मैं है ना, 30 एम्पीयर्स में शायद स्पेयर होगा, ये लगाते हैं ना, देखना गाइस में अगर आप जस्टिस कर पाओ ना थोड़ा सा, देखोगे तो यहाँ से फ्यूज़ देखो ध्यान से बिल्कुल ब्रोक हो गया। ठीक है मेरे को डाउट पहले हुआ था, मन ने बोला भैया कल फ़ोन आया इसके पास इसका कि इधर उनपे ऐसे दिक्कत आ रही है, मेरे को लगा था कि कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रही, तो मेन फ्यूज़ क्या होता है वो बेसिकली फ्यूज़ का देखो गाइस ये काम है, और जो नंबर का ना वही लगाना हमेशा आप, ठीक है जो एग्जैक्ट नंबर दिया ना कंपनी ने ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं करना आपको, उसके भी वीडियो बना दूंगा। ओहो भाई यहाँ से खेल के चलाना है ना, देखना कोई दिक्कत नहीं, 30 एम्पीयर का मेन रहता है, अभी बंद कर दिया ठीक है, अब एक बार मैं वो करके देखता हूँ। वो स्मेल सी क्यों है ना? हाँ स्मेल सी आ रही है गाइस, स्मेल आ रही है बहुत गंदी, देखता हूँ आग लगने का खतरा लग रहा है गाइस, ये तो बहुत ज़्यादा हीट अप कर रहा है,
मुझे लग रहा है फ्यूज दोबारा उड़ गया, ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है गाइस, बहुत ही गंदा। ओ हो, ये भी उड़ गया फ्यूज गाइस, ये फ्यूज भी उड़ गया, अजीब सा हो गया, बदबू सा। चलो गाइस दिखाता हूं आपको ना, देखो ये वाला फ्यूज देखना, ये भी गया, देख रहे हो 30 एम्पीयर्स का देने लगा हमने। अब मुझे लग रहा है हमें इंस्पेक्ट करना पड़ेगा खुद ही, ये देख रहे हो गाइस आप, अगर जस्टिस करता हूँ ना कैमरे में, ये वाला फ्यूज भी उड़ चुका है, देखो ध्यान से ना दिख जाएगा, ये देखो चले गया, ये फ्यूज उड़ गया है, और मुझे लग रहा है शॉर्ट सर्किट है यार, देख रहा है मन कैसे हो गया भाई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। चलो गाइस इसे चेक करेंगे यार, आज का तो टाइम लग रहा है लंबा टाइम ले लगी, ये कहीं ना कहीं तार टच हो रहा होगा 19-20, मैं इसलिए कहता हूँ इसी तो खैर बच गया, क्योंकि यार फ्यूज वगैरह ने बचा लिया, 30 एम्पीयर्स का मेन फ्यूज है, बाकी जहाँ से शॉर्ट होगा ना बाइक वगैरह खोल के देखेंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं गाइस ये, बोल देना, बाकी मैं बैटरी डिस्कनेक्ट करता हूँ ना, तो आपसे बाद में मिलूंगा, ठीक है।